हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही थी कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो आराम से, बस आपका सेमेस्टर जो होना चाहिए वो फर्स्ट होना चाहिए। अगर आपका कोई और सेमेस्टर है तो सॉरी, उसके लिए माफी चाहूंगा, आपके लिए मुश्किल होगी वाली सीरीज। बाकी चैप्टर मैच कर लेना, अगर मैच करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में हो, चाहे आप ऑनर्स में हो, आपके लिए जो वीडियो है वो एप्लीकेबल है। बस हम क्या करने वाले हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक वीडियो पहले ही बन चुकी है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है, एक पार्ट और बनेगा जिसमें आपका पहला चैप्टर पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा तीन वीडियो के अंदर, ठीक है। हाँ जी, तो चैप्टर का नाम आता है अकाउंटिंग, इट्स कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। तो आपको अकाउंटिंग के बारे में सीखना है कि अकाउंटिंग क्या होती है और उसके कंसेप्ट क्या है और कन्वेंशंस क्या है, वो सब चीजें आपको सीखनी है, यानी कि उसके प्रिंसिपल्स क्या है, या फिर ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी इस पूरे चैप्टर के अंदर। और जो इससे पहले वाली वीडियो थी ना सर, उस वीडियो के अंदर मैंने एक बात बोली थी, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो सर, अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में दो तरह की मिलेगी चीजें। एक तो चीज होती है नोट्स, जिसमें आप थ्योरी सारी कवर कर पाओगे। एक होते हैं असाइनमेंट्स, जिसमें आप क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, जिसके अंदर क्या बोलते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो अभी थ्योरी और नोट्स के लिए, मतलब नोट्स के लिए चाहे असाइनमेंट के लिए, दोनों ही चीजें प्रिपेयर की जा रही है। अभी कुछ भी बना नहीं है भाई, तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो अगर तैयार हो जाता तो मैं बता देता आपको, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ है कुछ भी। हाँ, शायद अगर आप कुछ टाइम बाद देख रहे हो, लगभग दो तीन हफ्ते बाद देख रहे हो वीडियो, तो आपके लिए तैयार हो चुका होगा तब तक। और एक चीज और, हाँ मैंने उस टाइम पे बताई थी कि जो असाइनमेंट अगर आप खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। तो सर सॉरी, क्योंकि मेरे को लगा ना कि ज्यादा हो जाएगा वो चीज, क्योंकि 100 रुपए की वैसे भी असाइनमेंट है, अगर उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाता हूँ या फिर किसी और पेमेंट गेटवे से बोलता हूँ आपको परचेज करने के लिए, तो वहां पे 20-30 रुपए टैक्स कटेगा आपका, तो खामा खामे आपके वो चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो सीधा एक काम करते हैं, बिना टैक्स के, बिना किसी चीज के, हम गवर्नमेंट से वो पैसा छुपा के, केवल आप और हमारे रिश्ते की बात रहेगी, ठीक है। हाँ जी, तो आपको टैक्स वैक्स भी भरना नहीं पड़ेगा, खामा खामे आपकी जेब से जाएगा ना वो पैसा। तो इस तरीके से हम आपको एक तरीका दे रहे हैं, अगर आपको एक्चुअल में नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मोबाइल नंबर दे रखा है सर, 8059639586। तो सर ज्यादा परेशान मत करना, मेरा नंबर नहीं है ये, पहले बता दूं, कभी तुम मेरे को ढूंढते इस नंबर पे पहुंच जाओ, मेरे भाई का नंबर है, तो ज्यादा परेशान करना मत। हाँ जी, तो अगर आपको नोट से कोई डाउट है, नोट से रिगार्डिंग, तो इस नंबर पहुंचो। कॉलेज की रिगार्डिंग कोई डाउट है तो इस नंबर पूछो। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर पूछो, ज्यादा परेशान करने की कोशिश करना, फिर मैं गाड़ा मुंडा छोड़ देता हूँ, ठीक है भाई। तो अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, 100 रुपए अमाउंट है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे उस पर, ना क्या बोलते कोई टैक्स लगेगा ना जीएसटी लगेगा, केवल वो नंबर दे देगा, उससे कॉन्टैक्ट कर लेना, आप आराम से चैट कर सकते हो। हाँ सर, और कोशिश करना कि कॉल ना करें, कि कॉल करने में ना कभी वो बिजी मिलेगा, कभी आप बिजी मिलोगे, तो बात अच्छे से हो नहीं पाती। तो आप कॉल ना करो, इसकी जगह व्हाट्सएप का यूज करो ना, व्हाट्सएप पे आराम से क्या बोलते हैं परचेज भी कर सकते हो, पीडीएफ भी सेंड कर जा सकती है। तो कोशिश करना व्हाट्सएप पे क्या बोलते हैं आप चैट करो आराम से, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी कन्वर्सेशन खत्म हो जाए और हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई भी दे देते हैं, ठीक है भाई। चलो, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो हम करने वाले थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट। शुरू करता हूं, सबसे पहले टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जब आप अकाउंटिंग पढ़ने वाले होते हो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपने 11वीं 12वीं साइंस से पढ़ी थी, तो फिर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मैं स्टार्टिंग से करवा रहा हूं, बेसिक से पूरा, ठीक है, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वीडियो लंबी बन रही है। Sure. तो पहली चीज हमें क्या सीखनी है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी जो आप अकाउंटिंग सीख रहे हो इसके काम क्या आएगी आगे, मतलब इसका काम क्या होता है, क्या काम करती है अकाउंटिंग की, किस चीज में हेल्प करती है अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग का काम बस क्या होता है, अकाउंटिंग अकाउंटेंट प्रिपेयर करती है, और जो अकाउंटेंट होता है वो क्या काम करता है, जितने भी बिजनेस के अंदर होने वाले ट्रांजेक्शन है उनको कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने का काम करता है, आसान है। तो अकाउंटेंट के जो वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का काम करता है, इस काम, ये जो काम है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर हमें क्यों करना चाहिए ये वाला काम, की सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करके रखें एक जगह पे, तो रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है हमारे लिए, वो चीजें फंक्शंस क्या है अकाउंटिंग है वो पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज मेंटेनिंग रिकॉर्ड, जो अकाउंट्स है ना अकाउंटिंग, ये हेल्प करती है मेंटेनिंग रिकॉर्ड में, क्योंकि अगर आप एक जगह पे पर्चे के अंदर लिखोगे लालू श्यामू कालू, अरे जब से आपने सामान खरीदा और बेचा, इनसे ट्रांजेक्शन करी, तो हिसाब में कहीं पे गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन जब आप प्रॉपर वे में एक अकाउंटिंग की हेल्प से रिकॉर्ड करते हो ट्रांजेक्शन को, तो वहां पे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये क्या करती है, रिकॉर्ड को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखती है। दूसरी चीज कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स, अब ये जो होती है, अब आपने हर चीजों का हिसाब किताब प्रॉपर तरीके से रखा है, अब सब चीजें प्रॉपर तरीके से रखी है, तो फिर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, सॉरी भाई नॉइस के लिए, ठीक है भाई, तो माफी चाहूंगा उसके लिए। हाँ जी, तो सुबह
दोस्तों, अगर आपने मेंटेन करके रखा है सारे के सारे रिकॉर्ड अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, तो फिर आप क्या चाहोगे कि वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो है वो पूरे प्योर हो, पूरे अच्छे तरीके से हो, ताकि क्या हो पाए, तो आपका जो एक्चुअल में प्रॉफिट है या फिर आपका जो एक्चुअल में लॉस है वो आप डिटरमाइन कर पाओ, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये यही हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में फाइनेंशियल डिसीजन या फिर फाइनेंशियल रिजल्ट, कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना आपने लॉस किया, कितना आपने डेटर को देना है, कितना आप लोग को डेटर से लेना है और कितना हमको क्रेडिटर को देना है, मतलब कर्जदार कितने हैं या फिर देनदार कितने हैं, लेनदार कितने हैं, इन सबका रिकॉर्ड रखने का काम कौन करता है? अकाउंटिंग। आसान है। और वैसे ही फाइनेंशियल रिजल्ट बताने का भी काम कौन करता है, यानी प्रॉफिट और लॉस दिखाने का काम भी कौन करता है? अकाउंटिंग। आगे चलते हैं। हाँ जी, मीटिंग लीगल नीड्स, यानी कि जो लीगल नीड्स होती है, लीगल नीड्स मतलब गवर्नमेंट की या फिर कोर्ट की जो भी लीगल नीड्स होती है उनको फुलफिल करने का काम करता है। जैसे कोर्ट वाले कहते हैं आपको सारे के सारे डिसीजन दिखाने पड़ेंगे या फिर आपको कितना प्रॉफिट हुआ वो सब चीजें दिखानी पड़ेगी, प्रूफ दिखाओ, तो वो प्रूफ वो सब मतलब जो प्रूफ है वो सारे के सारे कौन रखता है अपने पास? वो रखता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सारी चीजें रिकॉर्ड करता है, तो उसके बाद सारी चीजें होती हैं, आपने सामान खरीदा, किससे खरीदा, क्यों खरीदा, कब खरीदा, किस लिए खरीदा, वो सारे रिकॉर्ड कौन फुलफिल करता है? अकाउंटिंग। तो जितनी भी लीगल नीड्स है उनको फुलफिल करने का काम अकाउंटिंग का। हाँ जी, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, तो जो बिजनेस की एसेट्स हैं उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है अकाउंटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी भी चीज का रिकॉर्ड नहीं रखता, जैसे मैंने मान लो रॉ मटेरियल लेके आया, जैसे कि हमारा जो बिजनेस है वो चिप्स कुरकुरे बनाने का है, तो मैं आलू ले आया, चिप्स बनाने के लिए आलू चाहिए, तो मैं आलू ले आया है, क्या बोलते हैं 200 किलो 500 किलो इस तरीके से। अब आलू जो होते हैं डेली यूज वाली चीज होती है, तो जो जितने मैंने, अगर मैंने रिकॉर्ड नहीं रखा, हिसाब किताब नहीं रखा कि कितना यूज हो रहा है आलू, कितना मैं मैन्युफैक्चरिंग में लगा रहा हूं, कितना क्या बोलते हैं वेस्टेज जा रही है, इन सब चीजों का रिकॉर्ड नहीं रखा, तो जो वर्कर है वो बोलेंगे रिकॉर्ड तो रखा नहीं जाता, एक किलो निकाल लेते, घर में यूज कर लेंगे अपने पकाने खाने के लिए, है ना भाई। तो इस वजह से चोरी चकारी होना या फिर ये सब जो चीज है ना, लॉस होना आराम सी बात हो जाती है। तो अकाउंटिंग जो है बिजनेस के एसेट जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आसान भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ जी, तो अकाउंटिंग के ये रहे काम, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या काम करती है। अगर एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फायदे क्या होते हैं। अब देखो, जिस काम के लिए हम अकाउंटिंग को लेके आए कि अकाउंटिंग ये काम करेगी, मतलब अकाउंटिंग ये सारे फंक्शंस हैं, तो अकाउंटिंग ये सारे फंक्शंस को पूरा करने में, काम को पूरा करने में हेल्प करती है। तो ये सारे फंक्शंस ही क्या बन सकते हैं आपके, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। आसान है कि हमारे पास रिकॉर्ड रखने में सहायता करती है, बिजनेस के एसेट्स प्रोटेक्ट करने में सहायता करती है, समझ में आया भाई। तो ये सारे के सारे फंक्शंस ही क्या बन गए आपके लिए, एडवांटेज। लेकिन अगर कुछ और चाहते हो तो वही चीज लो भाई, इसी को घुमा फिरा के, जैसे यहां पे था ना मीटिंग लीगल नीड्स को फुलफिल करती है, सेम वैसे ही एड इन लीगल मैटर। अगर कहीं पे भी लीगल मैटर होता है, कोई कोर्ट वोर्ट केस होता है, आपके पास कोई कोई इश्यू करते जाए आपके ऊपर, शू मतलब कोर्ट केस कर देता है कोई आपके ऊपर, ठीक है, यानी कंप्लेंट फाइल कर देता है एक तरीके से, तो अगर कोई कोर्ट केस होता है तो फिर वहां पे सारे रिकॉर्ड मांगे जाते हैं कि भाई अपने ट्रांजैक्शन दिखाओ, अपने एविडेंस दिखाओ, वो सारे की सारी चीजें लीगल मतलब नीड्स जो है उनको फुलफिल करने का काम कौन करती है, अकाउंटिंग। मतलब यही एडवांटेज है, वही चीज है भाई। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, तो जो मैनेजमेंट है उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कि मैनेजमेंट को सारी चीजें पता होंगी अकाउंटिंग की हेल्प से, कि किसको कितनी सैलरी देनी है, क्योंकि मान लो कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर तो बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं, अब उतने सारे वर्करों में से किसको कितनी सैलरी देनी है वो याद थोड़ा रहेगा भाई, है ना। जैसे किसी की सैलरी 2 लाख है, किसी की सैलरी 5 लाख है, जैसे आपकी सैलरी 2 करोड़ है साल की, हाँ जी समझ में आए, ठीक है। तो अगर इतनी इतनी सैलरी है आपकी, तो फिर आपको जो सैलरी प्रोवाइड करने वाला है, क्या वो बंदा याद रख पाएगा कि मेरे को इतने एम्प्लॉय को इतनी सैलरी देनी है? उसको बंदों के नाम तो याद नहीं होंगे, उसको सैलरी कहां से याद होगी, है ना भाई। तो इसी वजह से यहाँ पे लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, और उसके साथ साथ ये क्या करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को, ताकि वो मैनेजमेंट आराम से संभाल पाए चीजों को, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, हेल्प इन टैक्सेस मैटर, मतलब टैक्सेशन का जो मैटर होता है उसमें हेल्प करती है। अगर कंपनी को जो प्रॉफिट और लॉस निकालने में हेल्प करा, प्रॉफिट पता चल गया, अब प्रॉफिट के बाद टैक्स भी तो भरना पड़ेगा ना, तो टैक्स निकालने में कौन हेल्प करती है, अकाउंटिंग। आगे चले, ठीक है, सेल ऑफ बिजनेस, बिजनेस की सेल करने के टाइम पे भी हेल्प करती है कि कितना माल बेचा जा रहा है, किस रेट पे बेचा जा रहा है, क्या प्राइस रखना चाहिए, कितना माल कैश में बेचे, कितना माल उधार बेचे, ये सारी चीजें संभालने का काम किसका होता है, अकाउंटिंग का। तो ये रही हमारी एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, आसान था ना, सिंपल था। आगे चलते हैं, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, मैं बता रहा हूँ ये थ्योरी वाला कंसेप्ट है, एग्जाम में 4-4 नंबर में कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है, तो कंसेप्ट के हिसाब से समझ के जाना सारी चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, जब आप अकाउंटिंग में घुसते हो तो फिर क्या क्या दिक्कतें आती हैं ऐसी जो अकाउंटिंग नहीं सॉल्व कर पाती, या फिर क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है अकाउंटिंग को। पहली चीज, एक्सप्रेस ओनली मनी, यानी जो अकाउंटिंग है वो केवल मनी की ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं उनको रिकॉर्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक ट्रांजेक्शन है कि मैंने जो है माल बेचा है, सेल किया है प्रोडक्ट, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का, और मेरे को जो पैसा मिला है वो कैश में मिला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, एक ट्रांजेक्शन है जिसमें मैंने फिर से सेल किया है, ठीक है, और बदले में मैंने ना लिया ना कुछ दिया,
तो वहां पे अगर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना हो और मैंने कितने का सेल किया वो पता नहीं, क्योंकि मैंने गुड्स सेल नहीं किए, मैंने अपने कपड़े वपड़े चलते हैं वो बेच दिए, इसी तरीके से सेल नहीं बोलते इसको, एक तरीके से डोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनेशन। तो हमने अकाउंट में मतलब कि अपने बिजनेस के अंदर डोनेशन प्रोवाइड कर दी। कोई अच्छा एग्जाम्पल बैठा नहीं, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है भाई? हाँ जी, शुक्र। दूसरा एग्जाम्पल, एक राम है एक श्याम है, दो वर्कर हैं। अब राम जो है वो कह रहा है मैं 10,000 रुपए सैलरी लूंगा अकाउंटेंट बनने के लिए, श्याम कह रहा है मैं 15,000 रुपए सैलरी लूंगा अकाउंटेंट बनने के लिए। तो आपके हिसाब से बताओ हमको किसको हायर करना है चाहिए? दोनों की एबिलिटी एक जैसी है, दोनों ही हार्ड वर्किंग है, दोनों ही मतलब हार्ड वर्किंग है, दोनों ही अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो दोनों में से किसको लेना चाहिए? आपके हिसाब से बोलोगे भैया एक्सपेंसिव है, कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होगा इसके लिए, तभी तो 15,000 रुपए मांग रहा है, कुछ बोलेंगे 10,000 रुपए मांग रहा है। अकाउंटिंग क्या कहेगी? अकाउंटिंग के हिसाब से चलो। कंप्यूटर क्या कहेगा? कंप्यूटर कहेगा जब वही काम 10,000 रुपए में हो रहा है तो कहे को 15,000 फूके। तो इस वजह से वो कहते हैं अकाउंटिंग में कि आपको 10,000 वाला बंदा हायर करना चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग ने खाली मनी की फॉर्म में उस बंदे को देगा कि फायदा किससे मिलेगा, खाली मनी की फॉर्म में मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में ना ये चोरी चकारी करने में एक्सपर्ट है पूरा। ये जो वाला बंदा है, पहला वाला बंदा राम, वो चोरी चकारी, सॉरी राम का नाम ले लिया, सॉरी भाई उसके लिए माफी, ठीक है भगवान की दया। हाँ तो कोई और नाम उनके अंदर नहीं घुसना चाहिए ना, राहुल मान लेते, ठीक है तेरी बात नहीं कर रहा रे, जानता है हाँ, कहीं तू भी बुरा मान जा। तो राहुल है 10,000 रुपए वाला बंदा और वो थोड़ी चोरी चकारी करने का काम करता है, ठीक है, मतलब कि इस वजह से क्या हमें उसे हायर करना चाहिए? नहीं, उस टाइम पे हमें किसको हायर करना चाहिए? शाम को हायर करना चाहिए जो कि 15,000 रुपए में चलते हैं काम करने तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो कम से कम चोरी चकारी तो नहीं करता, तो हमारा लॉस नहीं होगा ज्यादा। तो इस टाइम पे हमें ना क्वालिटी के साथ मतलब क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी देखनी चाहिए, जो कि अकाउंटिंग नहीं देखती। अकाउंटिंग खाली मनी की फॉर्मेट को देखती है कि मनी के हिसाब से क्या चीज चल रही है, तो इसलिए अकाउंटिंग हर तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। मैं मनी के साथ साथ आपको क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी, कौन चीज आपको मतलब कौन सा इंसान आपको क्वालिटी बढ़िया प्रोवाइड कर रहा है। सुनमें भाई, खाली मनी के उस पर काम करती है अकाउंटिंग, इसलिए ये ज्यादा लिमिटेशन में आ जाती है। ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि अकाउंटिंग में एक दिक्कत क्या है कि ना ज्यादातर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बने हैं वो कहते हैं आपको चीजों को ओरिजिनल कॉस्ट पर रखना पड़ेगा। अब हर चीज ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से थोड़ी ना होती है। जैसे मान लो मेरी ये कुर्सी है, ये कुर्सी 300 रुपए की है, ठीक है, मैं जब खरीद के लाएगा, लेकिन क्या अभी भी उसकी वैल्यू 300 ही रुपए लगी? वो कह रहा है नहीं भैया, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन मतलब लगातार यूज करने की वजह से कोई चीज वैल्यू घट जाती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब इसकी वैल्यू लगातार यूज करने की वजह से क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। जैसे कार है 10 लाख की, 50 लाख की कार है, तो क्या हमेशा 10 लाख 50 लाख की रहेगी? नहीं भाई, कभी सेकंड हैंड होती है, उसकी प्राइस गिरते हैं, है ना, उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन, जो भी नुकसान होता है। तो हर बार उसकी वैल्यू क्या होती जाती है? घटती रहती है। और सेम इसी तरीके से इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई होने पे चीजें का रेट बढ़ जाता है, मंदी होने पे चीजों का रेट घट जाता है, डिफ्लेशन होने पे, है ना भाई? तो इस तरीके से चेंज रेट्स भी क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। लेकिन अकाउंटिंग कहती है ऐसे जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं करते हम। अकाउंटिंग कहती है हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, हम वही कॉस्ट अकाउंट में बार बार दिखाएंगे। तो इस वजह से हमेशा ही ओरिजिनल कॉस्ट दिखाई जाती है अकाउंट के अंदर। जो एक्चुअल प्राइस है, मार्केट प्राइस चीजों का, वो नहीं दिखाया जाता। हमेशा ही कौन सी प्राइस दिखाई जाती है? ओरिजिनल कॉस्ट वाली दिखाई जाती है, जिस ट्रेड में हमने खरीदा होता है चीजों को। ये दिक्कत आती है। आगे चलते हैं, क्योंकि अगर मान लो मैंने कोई मशीन है 10 लाख रुपए में खरीदी, लेकिन अब क्या हो गया, मंदी आ गई, देश में कोई खरीद नहीं रहा, अब मशीन के रेट गिर गए 2 लाख रुपए में, लेकिन मैं अकाउंटिंग के अंदर क्या 2 लाख रुपए दिखाऊंगा? नहीं, अकाउंटिंग में 10 लाख रुपए दिखे होंगे, क्योंकि मेरी मशीन 10 लाख की थी। लेकिन एक्चुअल में जब मैं मशीन को बेचने जाऊंगा, क्या वो 10 लाख में बिकेगी? नहीं, वो तो 2 लाख में बिकेगी ना भाई। मैं तो इस तरीके से गड़बड़ आती है, दिक्कत आती है अकाउंटिंग करते हैं। आगे चलते हैं, समटाइम्स बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। कभी के बार ना अकाउंटिंग में कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको सोच समझ के एस्टिमेशन के हिसाब से, एक्चुअल फील्ड में तो होता ही नहीं वो, तो आपको सोच समझ के हिसाब लगा के तुक्का मार के लेने पड़ते हैं, यानी एज्यूम करके लेने पड़ती है कुछ चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीन खरीदी थी कितने की, 10 लाख रुपए की। अभी 10 लाख की मशीन मैंने सोचा 10 साल चलेगी, यानी हर साल 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में चल गई 15 साल ही है। तो मतलब एक तरीके से क्या होता है, हमको चीजें को एज्यूम करके चलना पड़ता है कि मैं डेप्रिसिएशन कितना लगाऊंगा, इंटरेस्ट रेट कितना रखूंगा, या फिर मेरी गुडविल कितनी होगी, ये सब चीजें मेरे को एज्यूम करनी पड़ती है, एक्चुअल फिगर नहीं पता चल पाती इसकी। तो इसलिए कुछ चीजें क्या होती है, एस्टिमेट करनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। आगे चलते हैं प्रिंसिपल्स। चौथी दिक्कत क्या है अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग के अंदर ना जब आप अकाउंटिंग करने लगोगे तो आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स याद करने पड़ेंगे। जैसे मैंने कल ही आपको 3-3 रूल याद करवाए थे, है ना, याद है? भूल गए, मैंने बोला पिटुआ गिर गिर का कुटुआ। अरे यार तुम याद ही नहीं करते, याद कर लिया करो भाई, मेरे को पता तुम याद नहीं कर रहे। हाँ जी, वो कह रहा भैया पहले तो याद है, गैर भी थे मेरे समस्या हो। हाँ जी शुक्र थे। तो बता दूं, पहले एक रूल करवाया था मैंने जिसमें 3 अकाउंट थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में लोगों का नाम आता था बस, ठीक है, और जो नाम है उसके हिसाब से रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में एसेट्स आती थी, कैश, बैंक, सब चीज, उसके हिसाब से रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा था नॉमिनल अकाउंट, जिसमें लोगों का आता था एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम और एक्सपेंडिचर, इस तरीके से, ठीक है। हाँ जी, गेन विन, प्रॉफिट वॉफिट, और उसका रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस, क्रेडिट लाइन ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है भाई।
हाँ जी, तो इस तरीके से वो रूल थे वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो अकाउंटिंग जो है वो बहुत सारे प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, तो आपको प्रिंसिपल्स बहुत सारे समझने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, वरना गलत हो सकता है टॉपिक। ठीक है, एक बार देख लो भाई सारी चीजें नोट हो रही है, रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, बाद में दिक्कत हो जाए। चलो हो रहा, शुक्र थे, समझ गए भाई। तो फंक्शंस हमने सीख ली, हमने एडवांटेज और लिमिटेशन सीख ली, आगे चलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का यूज कौन करता है, मान लो आप एक जॉब पे लगे किसी कंपनी के अंदर, आपने जॉब ले ली, तो फिर आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो उसका इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा, कौन कौन उसका यूजर है, समझ में, क्यों इस्तेमाल किया जाएगा। तो अकाउंटिंग के यूजर होते हैं भाई दो तरह के, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जिसको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो अकाउंटिंग करते हैं। अगर अकाउंटिंग की किसी को जरूरत ही ना हो तो फिर अकाउंटेंट को हायर कौन करेगा, समझ में, तो अकाउंटेंट जरूरी है। तो अकाउंटिंग के यूजर एक इंटरनल भी होते हैं जो कंपनी के अंदर होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं जो बाहर वाले होते हैं। इंटरनल यानी जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं या फिर जो वर्कर है या फिर जो बिजनेस का मालिक है वो लोग, जैसे कि ओनर मालिक, तो बिजनेस के जो मालिक है उसको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। क्यों, बिजनेस के मालिक को क्या चीज है अकाउंटिंग की, भाई अकाउंटिंग अगर आप करोगे तभी तो पता चलेगा प्रॉफिट और लॉस कितना है, बिजनेस की बैलेंस शीट कैसी है या फिर फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है हमारे बिजनेस की। तो ये सब चीजें जानने के लिए किसको जरूरत पड़ती है, मतलब अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है किसको, ऑनर को, मालिक को जरूरत पड़ती है। दूसरा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हर चीज मैनेज करनी पड़ती है कि हमारा स्टॉक कब लाना है, कब स्टॉक खत्म हो रहा है, कितने में बिकेगा वो स्टॉक, क्या प्राइस रखना चाहिए, कॉस्ट कितने होना चाहिए, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए अकाउंटेंट को जरूरत पड़ती है या फिर मैनेजर को जरूरत पड़ती है किसकी, अकाउंटिंग की, समझ में। तो मैनेजमेंट को भी नीड होती है अकाउंटिंग की। अभी चलते हैं एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को भी कई बार नीड पड़ती है अकाउंटिंग की, क्योंकि अगर मान लो एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी बढ़वानी है वो कैसे बढ़वाए, वो देखता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, यानी अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है, बार बार लॉस हो जा रहा है, तो फिर वो मालिक से जाके क्या भी नहीं सकता, सर मेरे को सैलरी बढ़ा के दे दो, नहीं बोल सकता जल्दी से। लेकिन वहीं पे अगर बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया अच्छा खासा, और प्रॉफिट कमाया तो फिर एम्प्लॉय को पता चल जाता है अकाउंटिंग में देख के कि भाई प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा, तो बिजनेस मेरी अपॉर्चुनिटी मतलब की मेरी इनकम बढ़ने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से वो कह सकता है मालिक से जाके, तो अपनी सैलरी वैलरी बढ़ाने के चक्कर में ये लोग कह देते हैं अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है इन्हें। अच्छा एक्सटर्नल यूजर, ऐसे कौन से यूजर है जो बाहर बैठे हैं और उनको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। पहला क्रेडिटर, मैंने बताया था क्रेडिटर कौन होता है, जो जैसे फॉर एग्जांपल हमने परचेज किया सामान, एक तो कैश में परचेज कर सकते हैं है ना, और कुछ बार कई बार सामान होता है हम क्रेडिट पे खरीद लेते हैं, क्रेडिट मतलब उधार, तो हमने कुछ सामान जो है वो उधार खरीद लिया। अब उधार सामान खरीदा है तो उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे भाई, है ना, हाँ जी, अगर हमने उधार सामान खरीदा है तो उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो वो जो होता है वो बन जाता है क्रेडिटर, यानी वो इंसान जो मेरे लिए लायबिलिटी का काम करता है, कल भी सिखाया था, वो इंसान जो मेरे लिए लायबिलिटी का काम करता है जिसको पैसे मेरे को चुकाने। अब वो लोग भी उनको भी जरूरत पड़ती है हमारे वो बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को देखने, अगर मान लो बिजनेस डूब रहा है तो क्या वो और उधार देंगे हमें, नहीं, क्योंकि बिजनेस डूबने वाला है उनका पैसा भी डूब जाएगा। तो अगर बिजनेस अगर ग्रोथ कर रहा है तभी तो वो बिजनेस की ग्रोथ को देख के हमें उधार प्रोवाइड करते हैं, समझ में, हाँ जी, तो क्रेडिटर को जरूरत पड़ती है। दूसरा इन्वेस्टर, अब जैसे आप मान लो इन्वेस्टर हो, कई बार कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हो, तो आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, जो कंपनी ग्रोथ पे जा रही होगी, जो कंपनी डाउन फ्लोर मतलब फॉल पे जा रही होगी, तो जाहिर सी बात है जो कंपनी ग्रोथ पे जा रही होगी उस पर इन्वेस्ट किया जाएगा, सिंपल है, हाँ जी। तो आप ग्रोथ वाली कंपनी को कैसे चेक करोगे कौन सी कंपनी ग्रोथ पे जा रही है, फाइनेंशियल कंडीशन देख के उसकी, और फाइनेंशियल कंडीशन कौन प्रिपेयर करता है, वो तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ही प्रिपेयर करती है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत किसको होती है, इन्वेस्टर को भी। आगे चलते हैं कस्टमर, जो कस्टमर सामान खरीदता है, जैसे कस्टमर को भी जरूरत होती है फाइनेंशियल कंडीशन की, क्योंकि अगर फाइनेंशियल कंडीशन किसी की अच्छी है तो उसके प्रोडक्ट भी अच्छे होंगे, वो अच्छे तरीके से माल बना भी रहा होगा, तभी तो वो पैसे कमा रहा है माल को बेच के, तो कई बार कस्टमर को भी जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल कंडीशन की। उसके बाद टैक्स अथॉरिटी, जो टैक्स अथॉरिटी वाले हैं, जैसे गवर्नमेंट जब भी टैक्स काटने आती है तो फिर वो देखती है कंपनी को ने एक्चुअल में प्रॉफिट कितना कमाया और वो कितना टैक्स भर रही है, कैलकुलेशन किस हिसाब से कही जा रही है, उसके एक्सपेंडिचर कितने हैं, ये सब चीजें टैक्स अथॉरिटी वाले को जरूरत होती है। कई बार गवर्नमेंट को जरूरत होती है, वो कह रहा है गवर्नमेंट को क्यों जरूरत है भाई, टैक्स अथॉरिटी वाले को तो दिखा दिया भाई, कुछ समझो ना, सारी कंपनी प्राइवेट सेक्टर थोड़ी ना चला रहे हैं, कंपनियां कुछ गवर्नमेंट भी तो चला रही हैं, जैसे कि LIC कंपनियां, जैसे कि रेलवे की कंपनी, तो कुछ कंपनियां गवर्नमेंट भी चला रही है, और गवर्नमेंट को भी देखनी पड़ती है ना, जो कंपनी हम चला रहे हैं वो कंपनी चल कैसे रही है, प्रॉफिट में लॉस में, समझ, इस तरीके से गवर्नमेंट भी अपनी कंपनियों को देखने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत रखती है। ठीक है, लास्ट रिसर्च, अगर आप कुछ रिसर्च करना चाहते हो, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, कुछ भी चीज करना चाहते हो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड पड़ेगी, समझ में भाई, हाँ जी, आगे चलते हैं। तो ये थे यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से ऐसे इंसान है जिनको जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। आगे चलते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अगर आपने गलती से 11वीं क्लास पढ़ी है तो आपने सीखा होगा अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या हैं। मैंने बताया था जैसे स्टार्टिंग में जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने 8वीं तक साइंस सीखी होगी, साइंस केवल पहले एक ही बुक हुआ करते थे जब हम पढ़ते थे, लेकिन 9th क्लास में आने के बाद साइंस के 3 पार्ट हो गए, एक केमिस्ट्री बन गई, एक फिजिक्स बन गई और एक बायो बन गई,
सिंपल है, तीन तरह की बुक बन गई। आगे जाके ये और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएंगी, समझ में। सेम इसी तरीके से अभी जो आप 11वीं 12वीं में पढ़ के आए हो, केवल एक या दो बुकें थी आपके पास अकाउंटिंग की, आगे चल के अकाउंटिंग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। जैसे कि आप अब पढ़ रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल आप एक बिजनेस के फाइनेंस पे ध्यान दोगे, यानी कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, प्रॉफिट और लॉस कितना है, या फिर बैलेंस शीट कितनी है, ये सब चीजें संभालने का काम करोगे आप, ठीक है। दूसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके अंदर आप मैनेजमेंट देखते हो किसका, स्टॉक का, यानी कि माल कितना आया, माल कितना गया, या फिर क्या बोलते हैं बाकी सब चीजें जो भी मैनेजमेंट का काम है, वो सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है। उसके बाद होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको देखना पड़ता है ओवरहेड कितने हैं, मेन हेड कितने हैं, और उसके बाद कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है, ठीक है। तो ये सब चीजें काम करने का, मतलब कि मतलब चीजों का प्राइस कितना डिटरमाइन करें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी, समझ में। ये सब चीजें आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि किस दाम में हम खरीदे जिससे कॉस्ट हमारी क्या हो जाए, कम से कम आए, इस वजह से। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आगे कहते हैं। अगला आता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग मतलब एक अकाउंटेंट ऐसा भी होता है जो केवल काम करता है कि जितने भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उसका टैक्स भरेगा। तो टैक्स के लिए आपको अलग से अकाउंटिंग सीखनी पड़ती है, जिसमें आपको टैक्स की सारी कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, ठीक है। इनकम टैक्स अकाउंट मतलब इनकम टैक्स, या फिर जो जीएसटी हो गया, या फिर डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ये सब चीजें आपको भरने के लिए। तो भाई टैक्स अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी। उसके बाद होती है सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग मतलब अब कंपनी क्या है, इमेज बनाने के लिए अपनी कुछ हेल्प वेलफेयर का भी काम करती है, ठीक है भाई, हाँ जी, कुछ डोनेशन देती है, तो फिर इन सब की अकाउंटिंग के लिए भी रखा जाता है क्या, सोशल अकाउंटिंग। लास्ट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में यानी जो ह्यूमन होते हैं उनको सैलरी कितनी प्रोवाइड करनी है, उनको अगर मान लो कहीं पे चोट वोट लगी है तो इलाज में कितना खर्चा देना है, तो ये सब चीजें अकाउंटिंग का काम प्रिपेयर करने का देखने का कौन करती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इतना समझ आ गया, मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, भेजो में, गुर्दों में, फेफड़ों में, शरीर के अंगों में आ रहा है ना, ठीक है, नसों में दौड़ना चाहिए ये सब चीजें। आगे चले आगे भाई, बात आती है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मैं बस ज्यादा नहीं है, बस खाली दो टॉपिक रहे, शांति से बैठ के देख लो, आराम से जल्दी खत्म हो जाएगा। बेसिस ऑफ, ये लेटे लेटे देख लो ना, तभी तुम्हें आना सारा भाई, तुम्हें नींद आ जा रही है, लेट के मत देखा करो, सीधा उठो बैठो, एक ग्लास पानी पियो और आराम से चिल करके देखो, मैं बेसिक से जमीन में बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कह रहा बस में बैठ के देख रहा हूं मैं पेपर देने से पहले, भाई कोई नहीं, जमीन में बैठ जाओ आराम से देख ले, ठीक है, मतलब बस में बैठा तो बस में बैठा रहे, बाहर निकल के कभी रोड में बैठ जाए, हाँ शुक्र है। आगे चलते हैं, कटोरा देने भी नहीं आऊंगा मैं फिर, हाँ बिना कटोरी क्या ही कमाओगे यार तुम। आगे चले, सॉरी किसी को बुरा लगा हो तो। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है मतलब अकाउंटिंग के दो बेसिस होते हैं, यानी कि अकाउंटिंग दो तरीके से की जाती है, एक तो होता है कैश बेसिस, यानी कि जिसमें आप सारा रिकॉर्ड रखोगे किसके हिसाब से, कैश के हिसाब से। एक होती है एक्रुअल बेसिस, एक्रुअल बेसिस में चाहे आपके कैश के ट्रांजेक्शन है, चाहे आपके उधार वाले ट्रांजेक्शन है, आप सारे रिकॉर्ड करोगे। सुन मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर याद लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान, आपने किसी को सामान बेचा, आप रिकॉर्ड करोगे उस सामान को, जैसे लाला वाला जो बनिया बनिया यूज करते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लो, लाला वाला बनिया बनिया क्या करते हैं ये लोग, अगर आपने इन्होंने सामान बेचा तो वो क्या कैश बेसिस वाला यूज करते हैं कि वो माल कैश में बेचा तो उसको रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं, वो केवल तब रिकॉर्ड करते हैं जब कोई उधार सामान ले जाता है उसके नाम के आगे कि रामू से आटे के इतने रुपए लेने हैं इसमें, हाँ जी, ये लोग एक्रुअल बेसिस का यूज करते हैं। कैश बेसिस का यूज कौन करता है, कैश बेसिस का यूज कौन करता है, कैश बेसिस का यूज करता है डॉक्टर, लॉयर, समझ, ये लोग यूज करते हैं कैश बेसिस का। अच्छा ये लोग यूज क्या करते हैं, एक्रुअल बेसिस का यूज कौन करता है, कंपनीज, फॉर्म्स, ये लोग एक्रुअल बेसिस का यूज करते हैं। डॉक्टर लॉयर क्यों यूज करते हैं कैश बेसिस का, सुनिए, अब एक लॉयर था जिसने केस लड़ा, केस फाइल किया किसी क्लाइंट का, और क्या बोलते हैं उसको मिलनी थी सैलरी 2 लाख रुपए। अब एक क्लाइंट ऐसा है, देखो क्लाइंट क्या होता है कि एक बार कोई केस लड़ लिया, क्लाइंट जीत गया या फिर हार गया किसी तरीके से, क्या वो दोबारा चलते गारंटी है कि उसी लॉयर के पास आएगा, होता है कई बार कि नहीं आता दोबारा से लॉयर के पास, समझे, तो उसको पता है कि मैं दोबारा तो मिलने वाला नहीं हूं। तो जहां 2 लाख की पेमेंट करनी चाहिए थी क्लाइंट को, उसने करी है खाली 1.5 लाख की पेमेंट, वो कह रहा है 50,000 रुपए की पेमेंट मैं बाद में कर दूंगा, सुन मैं, हाँ जी, और वो 50, उसने 1.5 लाख की पेमेंट करी, अब वो 50,000 की पेमेंट पता नहीं लेके चला गया, करे या ना करे, तो फिर कब तक हम उसे उधार की तरह दिखाते रहेंगे कि हमारे पास डेटर इतने पड़े हैं, ऐसे तो जिंदगी भर के लिए डेटर तो वो पड़ा ही रहेगा। अकाउंटिंग के अंदर जब हम किसी को अपनी अकाउंटिंग फाइनेंशियल कंडीशन दिखाएंगे तो फिर हम बोलेंगे इतने सारे डेटर है, 10-10 साल से लोगों ने पैसे ही नहीं दिया, तो हमारा कंपनी का इमेज जो है ना वो बिगड़ जाएगी। इस वजह से लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, ऐसे लोग केवल कैश बेसिस का यूज करते हैं, यानी जितना रुपया आए केवल उसको लिखेंगे, 1.5 लाख रुपए आए खाली 1.5 लाख रुपए लिखेंगे, समझे, बल्कि जो कंपनी होती है उसकी जगह कंपनी या फर्म, उनका काम क्या होता है, माल बनाना, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो फिर अगर आपने कोई सामान खरीदा किसी कंपनी से तो आप वही सामान बार बार खरीदोगे, है ना भाई, तो उस टाइम पे कंपनीज में अगर मान लो 2 लाख का सामान खरीदा, उसने कभी 1.5 लाख रुपए दिए, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो 50,000 रुपए भी बाद में चुकाएगा, क्योंकि उसको रिलेशन अच्छे रखने हैं, क्योंकि सामान उसी से खरीदना है पूरी मार्केट के अंदर,
ठीक है भाई। हाँ जी, तो इसलिए डेटर में लिख देते हैं कि डेटर से हमें 50,000 रुपए बाद में मिलने वाले हैं, क्योंकि वो एक दो साल के अंदर रिकवर हो भी जाते हैं, लेकिन इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं रिकवर होने के। तो इस वजह से ये लोग केवल कैश का हिसाब रखते हैं, जितना पैसा कैश में आया उसका हिसाब रखो, बाकी ये मान लो भूल जाओ उसे, समझ में। हाँ जी, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे आपको सब चीजों का हिसाब रखना पड़ता है, कैश में भी और उधार में भी। वही मैं कह रहा हूँ, डिफरेंस क्या है कैश बेसिस और एक्रुअल बेसिस में। कैश में ओनली कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, एक्रुअल बेसिस में कैश वाले और क्रेडिट वाले उधार वाले दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। हाँ जी, कैश बेसिस जो होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? एक रूल बुक है अकाउंटिंग के हिसाब से, उस रूल के हिसाब से आपको जो अकाउंटिंग है पूरी पूरी करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं उसे, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो तरह के, एक तो फॉरेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो विदेशों में चलता है, एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि इंडिया के अंदर चलता है, हमें फिलहाल इंडिया वाला सीखना है, फॉरेन वाला हम सीखेंगे नहीं, आगे चलते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो उसको फॉलो, मतलब कैश बेसिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता, एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे ट्रांजेक्शन दिखाए जाते हैं, कैश वाले भी उधार वाले भी। अब देखो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी फॉलो नहीं करता, खाली कैश ट्रांजेक्शन दिखाए जाएंगे, तो इस वजह से ये लोग ज्यादातर लोग इसे यूज ही नहीं करते, क्योंकि उधार का हिसाब कौन रखेगा उस टाइम पे। यहाँ पे उधार के साथ हिसाब रखा जाता है सारे ट्रांजेक्शन, ये कैश वाले भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, क्रेडिट वाले भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। तो जिस बंदे ने ये वाला कैश एक्रुअल बेसिस कंसेप्ट सीख लिया तो वो सारा काम कर पाएगा। तो ज्यादातर लोग दुनिया में ये वाली चीजें यूज करते हैं, ये वाले जो जल्दी से यूज नहीं करी जाती, केवल गिने चुने लोग ही हैं जो इनका यूज करते हैं इस मेथड का। आगे चलते हैं, इट इंश्योर्ड टोटल कैश फ्लो, ये केवल हमारी टोटल कैश फ्लो दिखा देता है कि हमारे पास कितना पैसा है एक्चुअल में, लेकिन ये हमारी कैश फ्लो को भी दिखाता है और हमारे एक्यूरेंट फ्लो को भी दिखाता है, यानी कि उधार में जितना भी पैसा आने जाने वाला है उसको भी दिखाता है। मैं तो अकाउंटिंग अगर करने जा रहे हो तो दो तरीके की अकाउंटिंग है, एक कैश बेसिस और एक एक्रुअल बेसिस। कैश बेसिस में केवल कैश वाले ट्रांजेक्शन, लेकिन एक्रुअल बेसिस में आपको उधार वाले ट्रांजेक्शन और कैश वाले ट्रांजेक्शन दोनों दिखा देने पड़ेंगे। मैं आपने माल बेचा मान लो 1,00,000 रुपए का, तो उसमें से 50,000 रुपए आपने कैश में बेचा है, 50,000 रुपए उधार में बेचा है, तो इसमें दिखाया जाएगा खाली 50,000 रुपए हमारे पास आए हैं, 50,000 रुपए जो उधार वाले थे वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों दिखाने हैं, कैश वाले भी और उधार वाले भी, कि 50,000 रुपए का माल आपने कैश में बेचा और 50,000 रुपए का माल आपने उधार में बेचा। सुनिए, हाँ जी, ये था एक्रुअल बेसिस। अब कुछ कंपनियां इससे एग्री करती है, कुछ कंपनियां डिसएग्री करती हैं, तो हमने एक नया बेसिस निकाल दिया जिसे बोलते हैं मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मिक्स्ड बेसिस मतलब जिसके अंदर हम दोनों मेथड का यूज करते हैं, कैश मेथड और एक्रुअल बेसिस मेथड दोनों मेथड का यूज करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। कुछ ट्रांजेक्शन को हम कैश में लिखेंगे और कुछ ट्रांजेक्शन को हम एक्रुअल बेसिस के हिसाब से करेंगे, यानी कि सारा का सारा लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे आपको इनकम मिल रही है तो इनकम के टाइम पे, रिवेन्यू के टाइम पे, इनकम मतलब क्या होता है रिवेन्यू, कहीं पे आपने पैसे कमाए तो उस टाइम पे तो हम कैश बेसिस का यूज कर लेंगे, हम ये मान लेंगे कि बस इतना ही पैसा आएगा, इससे फालतू नहीं आएगा। और कहीं पे अगर आपने खर्चा कर दिया कोई चीज तो उस टाइम पे हम एक्रुअल बेसिस का यूज करेंगे। जैसे मैंने किसी को पे किया 10,000 रुपए का, मैंने कोई खर्चा कर दिया लेकिन मैंने उसे भी 5,000 रुपए दिए, 5,000 मैंने बोला भाई बाद में दे दूंगा, तो वो खर्चा तो देना पड़ेगा ना मेरे को, तो इसलिए मैं उस टाइम पे एक्रुअल बेसिस का यूज करूंगा, याद रखूंगा उस पैसे को कि मेरे को चुकाना भी है। लेकिन इनकम के टाइम पे ऐसा नहीं, इनकम के टाइम पे कैश बेसिस, जैसे किसी से 10,00,000 रुपए लेने तो मैं 50, मतलब उसने 8,00,000 दे दिए तो मेरे पास 8 लाख आ गए, तो मैं सोचूंगा यार 2,00,000 रुपए शायद ना दे वो, तो इसलिए मैं केवल 8,00,000 लिखूंगा ऐसे केस के अंदर। सुनिए, हाँ जी, तो शुरू करते हैं मिक्स या फिर हाइब्रिड बेसिस अकाउंटिंग क्या कहती है। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर जो भी रिवेन्यू है, रिवेन्यू मतलब एक तरीके से इनकम, वैसे इनकम अलग होती है रिवेन्यू अलग होता है, रिवेन्यू मतलब होता है माल बेच के जितना भी आपने पैसा कमाया उसको बोलते हैं रिवेन्यू, और इनकम क्या होती है जब आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करके जितना भी पैसा अर्न करते हैं उसको बोलते हैं इनकम। सुन रहे हैं, हाँ जी, रिवेन्यू मतलब जितना भी आपने पैसा कमाया माल बेच के। तो इस मेथड के अंदर जितनी भी आपकी रिवेन्यू है आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस, बताया था अभी, जितनी भी आपकी इनकम है वो कैश बेसिस के हिसाब से चलेगी, वाइल जबकि जो एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्रुअल बेसिस, मतलब वो एक्रुअल बेसिस के तरह रिकॉर्ड किए जाएंगे सारे एक्सपेंस जो आपने खर्च दिए या फिर आप पे करोगे या फिर बाद में पे करोगे वो सारे लिखे जाएंगे। सुन मैं भाई, हाँ जी, यहाँ पे खत्म होता है आज का टॉपिक। तो भाई इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को नोट परचेज करने हैं या फिर असाइनमेंट परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना, ठीक है, नंबर दे रखा है 8059639586। और टेंशन मत लो, मेरी राइटिंग में नोट्स नहीं है, मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, तो कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स मिलेंगे ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, ठीक है भाई, पीडीएफ के फॉर्म में। ज्यादा प्राइस महंगा भी नहीं है, 100 रुपए के आसपास है, तो आप आराम से परचेज कर सकते हो। शायद जो भाई नोट्स के तो प्राइस फिक्स है, शायद असाइनमेंट जो होगा उसका रेट बढ़ सकता है शायद, ठीक है, पता नहीं, अभी फिक्स नहीं किया कुछ भी, तो जितनी मेहनत लगेगी उससे आप सभी फिलहाल नोट्स पढ़ रहे हैं और ठीक है, तो भाई खत्म, ठीक है। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले कर रखा है, सच में अगर तुमने पहले से कर रखा है लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो सच बता रहा हूँ, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, मतलब शरीर के अंग अंग से, मतलब कि ये मान लो बाल है ना, एक बाल से भी आपको थैंक यू है, मतलब शरीर के अंग अंग से थैंक यू, ठीक है। और अगर आपने नहीं कर रखा, नहीं किया तुमने, करोगे तुमने,
कोई नहीं, आराम तो बाद में कर दिया, आराम तो कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यही है, आप भी यही, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है भाई। हाँ जी, तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना हो नोट कर लेना भाई, कहते फिर बोल लो, नोट भी ना किया भाई फिर भी तुमने मिटा दिया, चलो बाय बाय। Thank you.